इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। विश्वामित्र जी ने देखा भगवान धरती के भार का हरण करने के लिए अवतरित हो गए। चलूं दर्शन करूं। अब विनती करके उनमें से चार में से दो को ले आऊंगा। हाँ क्यों, यज्ञ रक्षा होगी, असुर समाज का संहार होगा। ऋषि मंडल यही व्यवहार करता था, चलें ले आए। कुछ कल्याण होगा धराधाम का। चल पड़े। एहि विधि करत मनोरथ जात लागी नहिं करिमजन सरयू जल गए। सरयू में स्नान किए और चक्रवर्ती महाराज के दरबार में प्रवेश किए। महाराज दौड़ पड़े, श्रेष्ठ आसन देकर उनको पधराया बिठाया, जल थाल लाकर पूजन किया, सपत्नीक वंदन किए। चारों पुत्रों को लाकर चरणों में डाल दिया। पुण्य चरणनी मेले सुत चारनी हे राम देखी मुनी देह सारी। प्रभु को देखकर विश्वामित्र जी विशुद्ध हो गए, भुलाए गए, अपनी सुधि नहीं रही। भोजन विश्राम प्रातःकाल राजसभा में लाया गया। चक्रवर्ती जी ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, प्रभु ऐसी कृपा आपने कभी नहीं करी। किस कारण आपका आना हुआ कहिए, कारण जो भी है हम विलंब नहीं करेंगे, तत्क्षण पूर्ण करेंगे। किसी आदमी को अति प्रसन्नता में यह कदापि मत कहिए कि आपकी क्या इच्छा है बताइए, उसको बोलने दीजिए। चक्रवर्ती जी महाराज सोच भी नहीं पा रहे थे कि क्या मांगेंगे, सोचे मुनि जी हैं कुछ लेने आए होंगे, यज्ञादिक कर्म करना होगा। लेकिन जब चक्रवर्ती जी ने कहा कहु सो करतन लाऊं बारा, कहिए जो आप कहेंगे उसको करने में मैं एक पल का विलंब नहीं करूंगा। आपने कहा नहीं कि मैंने दिया, हाँ ये कहना सरल है करना बहुत कठिन है। तो व्यवहार कहता है अति प्रसन्नता में किसी को वचन न दिया जाए और अति क्रोध में कोई निर्णय न लिया जाए, दोनों दुख उपस्थित कर देते हैं। कई लोगों का स्वभाव होता है बनी बनाई बात, बना बनाया काम, बना बया बनाया कॉन्ट्रैक्ट, क्रोध में समाप्त कर लेते हैं। कई लोगों को मैं भी जानता हूं, मैं कई बार मना भी कर चुका हूं, अरे भाई बहुत क्रोध आवे तो वहां से हट जाओ। और ध्यान रखना यह होगा कि क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय, आवेश के साथ किया गया कोई भी काम न अपना हित करेगा और न औरों का हित करेगा, दोनों का हित करेगा।
क्रोध के द्वारा लिया गया निर्णय स्थायी स्थिर नहीं होता। एक गीत है हम लोगों का, एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे, स्वार्थ भी बुरा नहीं है लेकिन औरों को कष्ट ना होवे, जीव कोई रूठे ना। ये पद है, सुनाएंगे। क्रोध में निर्णय न हो, प्रसन्नता में वचनबद्ध न हो। हमारा करेंगे करेंगे नहीं, देखिए जैसे चक्रवर्ती जी बैठे वैसे गुरुदेव ने कहना प्रारंभ किया, राजन असुर समूह सता वही मोहि मैं जाचन आयो, अनुज समेत देव रघुना निश्चर बध मैं हो, देह भूप मन हर्षित तजह मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुम को इन कहयति कल्याण। बिना सांस बदले विश्वामित्र महाराज ने एक बार सब कह दिया, छोटे भैया समेत राम जी को दे दीजिए, यज्ञ रक्षण होगा और मैं भी धन्य हो जाऊंगा। क्यों? तो मैं भगवान को पा जाऊंगा। राजन प्रसन्न मन से दीजिए, देह भूप मन हर्षित, मोह चक्रवर्ती जी को कहां मोह, हृदय भगति मति सारंग पानी, यहां मोह। क्योंकि देखिए जब सामने आप किसी से कुछ मांगेंगे अथवा आपसे कोई मांगेगा तो उसका चेहरा एक पल में बदलता है, पल भी नहीं लगता है, लव निमेश परमाणु युग। किसी से मांगा आपने और उसका चेहरा बदले तो कहिए रहने दीजिए, हो गया, हम व्यवस्था कर लेंगे, सोच लेंगे। कोई बेमन से देगा भी तो रास्ते में रह जाएगा। कई सेवक ऐसे होते हैं, आप उनको काम बताइए, जो वस्तु लेके आएंगे उनकी रूह उस वस्तु में इतनी लग जाती है, मार्ग में टूट जाता है वो। सबके हाथ से वस्तु उचित स्थान पर पहुंचती भी नहीं है। लेने वाला, देने वाला, लाने वाला, ले जाने वाला, सबकी स्थिति होती है वस्तु में। मैं मुझे जब से पता चला है तो मैं जब वस्तु आकर खंड बिखंड मिलती है तो मुस्कुराता रह जाता हूँ, डपटता नहीं हूँ। क्यों? बस हो गया, सबके अपने संस्कार हैं, वस्तु के संस्कार हैं, जीव के संस्कार हैं, किसको दोष लगाएंगे आप, संस्कार हैं। चक्रवर्ती जी के मुख की भंगिमा समझ गए गुरुदेव विश्वामित्र जी और तभी बोल पड़े, देह भूप मन। देखिए देने का अर्थ तभी सिद्ध होता है जब आप प्रसन्न मन से दें। बेमन से, जबरन से अथवा आ ही गए हैं तो दे ही देते हैं, ये देने का कोई अर्थ नहीं है। दे दो, ये भी देना ना हुआ, ये तो फेंकना हुआ, फेंको। चक्रवर्ती जी महाराज को क्या कह रहे हैं गुरु जी, देह भोप मन हर्षित तजह मोह धर्म सुजस प्रभु तुम इन कहयति कल्याण। आप धर्म सिद्धि में बच्चों को भेजेंगे, आपका भी यशवर्धन होगा, इन बच्चों का कल्याण होगा। देखिए अर्थ में लगाना बहुत अच्छा है लेकिन योग्य पिता संतति को परमार्थ में भी लगावे। अर्थ तो प्रारब्ध के वशीभूत है, मिलना है ही है, जितना हमारे प्रारब्ध में है कोई लेने वाला नहीं। और प्रारब्ध में मिला भी, यदि प्रारब्ध में अर्थ की उपयोगिता से सुख लिखा नहीं है तो अर्थ पर तकिया बना करके कासिर रखिए, सुख प्राप्त नहीं होना।
सिर में दर्द होगा तो एक टिकिया से जाएगा, वो गांधी बाबा की लाल वाली बांधने से नहीं जाएगा। तो सुख का अर्थ से कोई लेना देना नहीं है, ये तो प्रारब्ध के वशभूत प्राप्त होगा। चक्रवर्ती जी ने साफ दिखाई दिया कि नहीं देंगे गुरुदेव को, साफ दिखाई दिया। चक्रवर्ती जी खड़े हो गए, कहने चाहिए महाराज जो आज्ञा आपकी, आप आए हैं, गुरु जी हैं, आप लोग तय कर लो ना। यहां एक बात है समझने योग्य है, हम तभी तक वस्तु अपना नहीं मानते हैं, भगवान का मानते हैं, जब तक प्राप्त न हो जाए, और जैसे वस्तु प्राप्त हो जाती है उसको हम अपना मान लेते हैं। मनुष्य का स्वभाव है, जब तक भगवान ने नहीं दिया, गुरु ने नहीं दिया, तब तक हम उनका माने रहते हैं। जैसे मिल गया ये तो हमारा है, हमारी बुद्धि बच्चों जैसी है, बच्चे कोई उनके काम की चीज हो उसको ले लेंगे तो वो देंगे नहीं, आप ले के गिर के रोना शुरू किए, और जब खेल लेंगे तो वस्तु कहाँ है इसका उनको बोध नहीं रहता। प्रातः स्मरणी पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि बच्चों से ये तीन बातें सीख लो, अपरिग्रह, जो जरूरत है उसी की चिंता करना, अरोषता, निर्भयता, चौथी बात, चार बातें, भरोसा। भगवान सबकी चिंता करते हैं, वो मेरी भी चिंता करेंगे। बच्चे अपना नैपकिन, अपना वो बोतल का दूध का बोतल, कपड़े कुछ लेके चलते हैं क्या? हम लोग लेके चलते हैं, क्यों? बच्चे भगवान के भरोसे रहते हैं, जो हमको ले जाएगा वो देगा। निर्भयता, बच्चे आपस में भी झंझट करेंगे तुरंत प्रेम कर लेंगे। अपरिग्रह, बच्चों को आवश्यकता से अधिक चाहिए नहीं, और जो वस्तु जब उपयोगी है चाहिए तभी चाहिए, बाद में उसकी चिंता नहीं करते। अरे खेल खिलौना छोड़िए, बच्चे अपने पढ़ाई कॉपी की भी चिंता नहीं करते, आप वो पढ़ लिए बाप उठा के रखो, ये आनंद है उनका, इसमें दोष नहीं मानना चाहिए न डपटना चाहिए, यही बाल है, यही बाल भाव है। चाहिए तब चाहिए, नहीं है आप चिंता करो, हमारा काम नहीं है, ये शिक्षण है बच्चों से सीखने लायक। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।